सिंहासानगता नितयं पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। अर्थात माँ दुर्गा के पांचवें स्वरूप का नाम स्कंद माता है। नवरात्रि की पंचमी तिथि को स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता की गोद में उन्हीं का सूक्ष्म स्वरूप छह सिर वाली देवी का है। नवरात्रि की पंचमी तिथि को साधक का मन विशुद्ध चक्र में होता है, जो माँ की कृपा से जागृत हो जाता है। सिद्धिपीठ में देश के कोने कोने से आने वाले भक्त माँ का दर्शन करने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे रहते हैं। भक्तों की आस्था से प्रसन्न होकर माँ उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। जगत का पालन करने वाली आदिशक्ति माँ विंध्यवासिनी की नवरात्र में 9 दिनों में अलग अलग स्वरूपों की पूजा कर भक्त अपने सभी कष्टों से छुटकारा पाते हैं। माता के किसी भी रूप का दर्शन कर मात्र से प्राणी के शरीर में नई ऊर्जा, नया उत्साह व सद्विचार का संचार होता है। 9 से मैं यूपी से आया हूँ जी, और हम हमेशा माता जी की चरणों में आता रहता हूँ। और माता जी की विंध्यवासिनी माता की बहुत बड़ी कृपा है, हमारा भी नाती उसके आशीर्वाद से है, तो हमको मुंडन कराने आए हैं विंध्याचल जी। और आज नवरात्र का 5वां दिवस है, पंचम स्कंद माता तिथि। आज के दिन भक्त स्कंद माता के रूप में भगवती का पूजन करते हैं। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। स्कंद माता यशस्विनी भगवती का बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। 4 भुजाएं हैं, सिंह पर आरूढ़ हैं और पीले वस्त्र को धारण की हुई हैं। अपने गोदी में स्कंद भगवान कार्तिकेय को लेकर के माँ बैठी हुई हैं और इस प्रकार से बड़ा ही तेजोमय अलौकिक इनका तेज है, क्योंकि सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनके चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश होता है। आज के दिन भक्त यदि भगवती के इस रूप का पूजन करते हैं तो देवी और देवता दोनों का पूजन हो जाता है और दोनों लोगों की आशीर्वाद और कृपा से भक्त की समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मिर्जापुर से अजय दुबे की रिपोर्ट।